सो हेलो हेलो हेलो, कैसे आप सब? उम्मीद बिल्कुल ठीक हूँ। मैं आपका होस्ट और दूसरी लगा स्वागत करता हूँ डील वैली के एक और एपिसोड के साथ। आज अपन कबूस का फुल फ़ायदा उठाने वाले हैं, बिकॉज जो मैंने ट्रेन यहाँ पे असेंबल की है वो दो लॉन्ग टू को बना के बनती है। सो इफ यू सी हियर दिस कॉन्ट्रैक्ट, इसमें लॉन्ग टू है जो कि ये क्रूड ऑयल जो जा रहा है हार्बरन टाउन को, नथिंग स्पेशल। लेकिन ये भी सेम क्रूड ऑयल है और ये भी जा रहा है हार्बरन टाउन को, एंड दिस इज़ ऑल्सो लॉन्ग टू। तो ये दोनों हम एक साथ कर सकते थे जो कि हम कर रहे हैं। तो यहाँ पे कुछ खास बात ऐसी हैं, अपन डी टू तो लगा रहे हैं आगे, नो इश्यूज़, सॉरी नॉट डी टू, डी सिक्स, एंड बाकी ये ट्रेन तो है ही। बट एज ऑलरेडी मैंशन इन द स्टार्टिंग ऑफ द वीडियो, अपन लोग कबूस का एडवांटेज ले रहे हैं बिकॉज हमने यहाँ पे बैंकर लोगों लगा रखा है। अब इसका फ़ायदा ये रहेगा कि मैंने इसे पहले तो पैर कर लिया अपने रिमोट कंट्रोल से, एंड अब अगर मैं सबसे आगे जाऊँ मेरे ट्रेन के पास, मेन लोगों के पास, तो जो हमारा स्ट्रेंथ है सिग्नल स्ट्रेंथ वो अभी तक अच्छा खासा आ रहा है। अच्छा खासा नहीं मतलब बहुत अच्छा आ रहा है, एंड जितना मैं दूर चला जाऊँ मेरे को जो सिग्नल है वो बहुत सही आएगा। सो कबूस से हमको ये फ़ायदा हो रहा है। सो या अभी यार टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, इसको हल्का सा पुश देते हैं, देयर वी गो। तो ये चलना शुरू हो चुका है, अपन चलते सीधा स्टेशन पे, एंड जो अपने जॉब है उसे करते हैं वैलिडेट। सो जो अपना बैंकर है उसको मैं हल्का सा थ्रॉटल देता हूँ जिससे जो अपनी ट्रेन है वो मूविंग शुरू हो जाए अपनी, ज़्यादा नहीं, दो नॉचेस शुड बी इनफ। एंड जो अपनी लाइट है उसे रख देंगे वर्किंग पे, एंड वी ऑल सेट। अब बस मुझे यहाँ पे डिसाइड करना है कि मैं यहाँ पे राइट से जाना चाहता हूँ या लेफ़्ट से। प्रायोरिटी मेरा रहेगा लेफ़्ट जाने का बिकॉज ये एरिया अच्छा है, साफ़ सुथरा है एंड स्ट्रेट है, तो हम आराम से क्रूज़ कर सकते हैं 90-100 पे। लेकिन यहाँ क्या रहेगा, यहाँ पे चढ़ाई भी है एज वेल एज़ ये कर्व वगैरह थोड़ा डेंजरस है। वील बी गोइंग फ्रॉम दिस रूट जो कि अपना स्टील मिल्स वाला है, बस यहाँ थोड़ा दिक्कत होगा, क्योंकि दिक्कत भी नहीं होगा, निकल जाएंगे, नो इश्यूज़। बस यहाँ से हमें थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा, एंड यहाँ पे थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा, अदरवाइज़ ये एरिया सबसे बेस्ट है। सो इफ़ यू सीन द मैप, जो ये रेड डॉट दिख रहा है वो अपना कबूस है, इसका मतलब जो एंड ऑफ द ट्रेन है वहाँ पर है, मतलब अपनी स्टेशन से बाहर नहीं आई है। सो वी नीड टू मेंटेन आर स्पीड, एंड फ्रॉम हियर वी टेकिंग अ राइट, क्योंकि अगर हम यहाँ से लेफ़्ट जाएंगे तो गुड्स फैक्ट्री पहुँच जाएंगे, वी डोंट वॉन्ट टू गो देयर। सो जो सिग्नल है उसे कर देते हैं राइट पे, एंड वी आर गुड टू गो। एंड नाउ वी हैव लेफ्ट यार्ड, ऑयल विल नॉर्थ का हम लोगों ने जो यार्ड है वो छोड़ दिया है। नाउ वी कैन गिव दिस लोकोमोटिव अ बिट ऑफ थ्रॉटल, ऑल्सो द बैंकर वन।
तो ये जो पार्ट है बढ़िया पार्ट है, चालू हो चुका है। एंड जो अपना पीछे का पार्ट है ट्रेन का, वो भी निकल चुका है कर्व से। सो नाउ वी कैन गिव दीज लोकोमोटिव्स अ बिट मोर थ्रॉटल, जिससे हम लोग एटलीस्ट 70 पे तो क्रूज करें। देयर वी गो, देयर वी गो। लेट्स सी हम लोग क्या स्पीड यहाँ पे अचीव कर सकते हैं। ओके सो वी एट द स्टील मिल्स। यहाँ पे मुझे थोड़ा स्लो लेना पड़ेगा बिकॉज ऑब्वियस रीजन से। ऑफ कोर्स ट्रैक लगा हुआ है विच इज़ फाइन, एंड यहाँ पे थोड़ा लैग हो रहा है।
कुछ अजीब सी आवाज़ आ रही है यार। हेलो, ओके, ये वाइब्रेट कर रहा है। ठीक है भाई, ये लूज़ हो गया, ऐसा कुछ करना पड़ेगा। ठीक है यार, देख लेंगे कुछ ना कुछ। फिलहाल तो चल, क्या स्पीड है भाई मेरी, 60 ही तो है, इतना क्यों रो रही है भाई। यहाँ से भी हो रहा है क्या, ये भी हिल रहा है क्या। अब उधर के देखना पड़ेगा, ऐसे तो मालूम पड़ेगा नहीं मुझे। गिरना नहीं, गिरना नहीं, गिरना नहीं। यो नहीं, ये ठीक है, ये ठीक है, ये ज़्यादा नहीं हिल रहा है, इसे कुछ नहीं हुआ। ठीक है, बस वो सामने वाले कुछ तो दिक्कत दे रहा है, जो कि हार्बरन टाउन में जाके टिक करवा लूँगा मैं, कोई इशू नहीं है। वी गो, हम लोग आ चुके हैं हार्बर एंड टाउन में। सॉरी, मैं ज़्यादा कुछ बोला नहीं, बिकॉज मैं बहुत फोकस था कि ट्रेन स्लो होने का नाम ही नहीं ले रही है। सप्लाई फ्यू इंडिपेंडेंट ब्रेक्स पीछे के लोकोमोटिव में लगा देता हूँ, तो थोड़ा स्ट्रेच होगा ये। तो हम लोग पहुंच चुके हैं हार्बर एंड टाउन में आराम से, बिना किसी डैमेज के। मैं डैमेज हुआ है, बट लोगों को डैमेज हुआ है, पहुंच गया आराम से, कोई इशू नहीं है। अदरवाइज मैं बीच में रुक के ही ठीक करना पड़ता। अपन को जाना है, एक सेकेंड, ये गलत लगा हुआ है यहाँ पे, ये ऐसा लगा नहीं होना चाहिए। ओके, तो अपन पहले जा रहे हैं E8 इनबाउंड में, उसके बाद जो अपना बैंकर लोकोमोटिव है उसको यूज़ करके हम लोग जो पीछे की ट्रेन है, जो कि है ये वाली E9 इनबाउंड में लगा देंगे निकाल के, जो कि इतना हार्ड नहीं होना चाहिए, शुड बी ईजी। तो यहाँ पे मैं पावर शंटिंग का यूज़ करने वाला हूँ। मेरे जो पीछे का लोकोमोटिव है उसके सारा थ्रॉटल कट कर देता हूँ, एंड एक नॉच इंडिपेंडेंट ब्रेक लगा देता हूँ। एंड लेट मी जस्ट सी वेस E9 इनबाउंड। जहाँ तक मुझे पता है E9 इनबाउंड वो रहेगा, एंड E8 इनबाउंड उन दोनों में से कोई एक रहना चाहिए। देयर वी गो, E8 इनबाउंड, एंड मुझे एकदम टाइम पे आगे से रोकना पड़ेगा। फॉर दैट मैं रिमोट कंट्रोल यूज़ करूँगा। सो लेट मी जस्ट मेक श्योर, एक सेकेंड में थोड़े से ट्रेन ब्रेक्स लगाने पड़ेंगे। सो दिस इज़ 76 जो कि 8 इनबाउंड में जा रही है, विच इज़ करेक्ट। 76, नोप, रिलीज द ब्रेक्स, गिव इट अ पुश, थोड़ा और आगे जाओ, जस्ट सी। 76 अगेन, 84, देयर वी गो। एंड ये वाली है 76, दिस इज
84, perfect. What I'll do is, I'll disconnect this. There we go. Oops. लग जा भाई, अरे there we go. And ये जाएगी अब 9 inbound में ना. Okay. So I'll apply a bit of brakes here. Okay, it should stop. Which is stopping. Correct. There we go. And जो ये वाली ट्रेन है वो अपने आप 8 inbound में पहुँच जाएगी. एंड हम लोग इसको 9 inbound में पहुँचाते हैं. सो लेट्स स्टार्ट. रिमूव द ब्रेक्स. गिव इट अ honk एंड लेट्स गो. कम ऑन. देयर वी गो. यप. इट्स गोइंग. ओके. सो जैसे ये 8 inbound में पहुँच जाती है, वील ओपन दिस वेल्व. सो इसके जो ब्रेक्स है वो फोर्सफुली लग जाएंगे एंड इट विल स्टॉप. देयर वी गो. 8 inbound आ गया है. एंड व्हाट वील डू इज वील डू दिस. कम ऑन स्टॉप. देयर वी गो. रुक गई. ओके रुक गई. ठीक है. लेट्स रिमूव द ब्रेक्स. आई मीन लेट्स अप्लाई द ब्रेक्स. एंड जो 9 inbound का ट्रैक है वो लगा हुआ है. सो व्हाट वी कैन डू इज, सो वी कैन हॉप इन द locomotive. open this window or else just open the door. yaar ek to sign beech mein aa raha hai. yep, we are going good. There we go. Sweet speed. There we go. इसके ब्रेक्स ख़राब हो चुके हैं, बट दैट्स फाइन. एक काम करते हैं, लेट मी अप्लाई द ब्रेक्स एंड लेट्स रन टू द स्टेशन. लेट्स वैलिडेट. देयर वी गो. देयर वी गो. परफेक्ट. ओके लेट्स सी द समरी. बाकी जो लोकोमोटिव वगैरह वो सब उसके काम अभी चालू है, थोड़ी देर में उसको ले जाएंगे. नॉट अस, कोई और. वेल एनीवेज, तो अपन एक बार समरी देख लेते हैं. जो अपनी आगे ट्रेन थी उसकी समरी कुछ इस तरह की है. 79 मिनट्स की जॉब 34 मिनट्स में हो गई है. फैंटास्टिक. विद $36,000 ऑफ टाइम बोनस प्लस $73,000 ऑफ बेस, वी गॉट 1 lakh प्लस इजिली. एंड एज ऑलवेज नो इन्वायरमेंटल डैमेज व्हाट्सोएवर. सेम गोज विद दिस. 34 मिनट्स में अपना काम कंप्लीट हो चुका है. एंड टोटल मिला अपने को $98,000 फॉर सम रीजन, नो इशूज. एंड या अगेन नो एनवायरमेंटल डैमेज. आज का हमारा जो काम था वो हो चुका है. एंड आप लोग के मैं कमेंट्स पढ़ता रहता हूँ. थैंक यू सो मच फॉर दिस सपोर्ट. बहुत अच्छे अच्छे कमेंट करते हो आप लोग. एंड या वंस अगेन थैंक यू फॉर दैट. एंड यही था आज की वीडियो में. अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कर देना, शेयर करो दोस्तों को, सब्सक्राइब कर दो मेरे चैनल को. मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में. तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत.